थराली के केदारबगड़ में नगर पंचायत की पार्किंग सुविधा का हुआ शुभारंभ। उपजिलाधिकारी थराली कमलेश मेहता के निर्देश पर केदारबगड़ में नगर पंचायत द्वारा निर्मित वाहन पार्किंग का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर व्यापार संघ, वाहन स्वामियों और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्किंग सुविधा को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि चार पहिया वाहनों की पार्किंग शुल्क ₹20 प्रतिदिन और 400 प्रति माह होगा। वहीं दो पहिया वाहनों के लिए अलग अलग स्थान चिन्हित कर निशुल्क पार्किंग सुविधा दी जाएगी। नगर पंचायत थराली के अधिशासी अधिकारी अकबीर सिंह ने बताया कि मुख्य बाजार क्षेत्र के पुल और मस्जिद मार्केट के पास दो पहिया वाहनों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त उपजिलाधिकारी ने बाजार में अतिक्रमण हटाने और सार्वजनिक शौचालय में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अकबीर सिंह और थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने स्थानीय व्यापारियों और वाहन चालकों को निर्देशित किया कि सभी वाहन कल से अनिवार्य रूप से केदारबगड़ पार्किंग में ही पार्क किए जाए। हरी झंडी दिखाकर पार्किंग सुविधा का शुभारंभ किया गया। इस वही कार्यक्रम में उपजिलाधिकारी कमलेश मेहता, अधिशासी अभियंता अकबीर सिंह, थानाध्यक्ष पंकज कुमार, व्यापार संघ अध्यक्ष संदीप रावत, पूर्व अध्यक्ष प्रेम बुटोला, ग्वालदम टैक्सी यूनियन महामंत्री राकेश सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। को एक बैठक हुई थी पार्किंग के संबंध में 21 नवंबर को, और आज फिर दोबारा से उसी पार्किंग के संबंध में बैठक हुई है। एसडीएम साहब के यहाँ यही हमारी इस बाबत बैठक थी कि आज से पार्किंग का काम चालू हो जाए या पार्किंग में गाड़ी लगना शुरू हो जाए। तो आज हमने अपनी बातें रखी कि जो डेली बेसिस पे या महीने का कोई अगर महीने भर गाड़ी खड़ी करता है तो उसका अलग से पास बन जाए, जिससे कि थोड़ा उसमें छूट मिल जाए। तो यही हमने बातें रखी। बाकी सारी गाड़ियां आज से पार्किंग संचालित भी हो जाएगी और सारी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हो जाएंगी। टू व्हीलर्स के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं पुलिस द्वारा, नगर पंचायत द्वारा या हमारे व्यापार संघ द्वारा। टू व्हीलर के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं, टू व्हीलर वहाँ लग जाएंगे। बाकी फोर व्हीलर जितने भी मार्केट में खड़े होते थे या परमानेंट जो खड़े करते थे वो पार्किंग में लगेंगे। मार्केट में एक नगर पंचायत के द्वारा पार्किंग निर्मित है, इसका संचालन काफ़ी समय से नहीं हो रहा था, तो इसमें सभी स्टेक होल्डर के साथ पहले बैठक की गई थी और आज फाइनल बैठक थी। आज जो है निर्णय लिया गया कि आज से इस पार्किंग को संचालित किया जाएगा। इसमें ₹20 प्रति वाहन 24 घंटे के लिए किराया तय किया गया, और अगर किसी को पास लेना है तो ₹400 पर मंथ का पास भी जो है इसमें नगर पंचायत के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायत के द्वारा इसमें लाइटिंग और CCTV और टॉयलेट बाथरूम साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। सभी स्टेक होल्डर्स ने, टैक्सी यूनियंस ने, व्यापार संघ ने इसमें अपनी सहमति।